अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो क्या है 11.13 से 11.18। चलें बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 11.13। इस शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम पिच को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज पिच, अगर पिच को इंक्रीज करें फिर व्हाट चेंजिंग अकर्स। वो कहता है अगर हम पिच को इंक्रीज करते हैं तो इन चार चीजों में क्या चेंज आता है। पहला फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है, फिर वो कह रहा है जी वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, फिर वो कहता है जी कि वेलोसिटी में, वेव वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, और फिर वो कहता है जी कि एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, देखिए अगर पिच को इंक्रीज करते हैं, पिच का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के। अगर फ्रीक्वेंसी पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पिच भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम पिच इंक्रीज करते हैं इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर पहला वो कहता है इफ पिच इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी साथ इंक्रीज होगी। सेकंड वो कह रहा है कि पिच इंक्रीज करने से वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। मैं ये भी एक बना लेता हूं। वेवलेंथ क्या होती है, जहां से शुरू हुआ है वहां पर खत्म होना, तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होता है वो वन वेवलेंथ होती है। जब फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि हमारे पास ये बन चुकी है। वेवलेंथ क्या होता है, जहां से शुरू हुआ है ना उसी पॉइंट पर खत्म करना है हमने, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक वेवलेंथ बनता है। यहां पर आ जाए, अब इसमें शुरू कहां से हो रहा है जी, इस पॉइंट से, खत्म कहां हो रहा है जी, इस पॉइंट पर, एक क्रस्ट आ रहा है एक ट्रफ आ रहा है, तो ये हमारा इसमें वेवलेंथ होगा यहां से यहां तक। यहां से फ्रीक्वेंसी को उठाकर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या हुआ, वेवलेंथ यहां पर ज्यादा था यहां पर वेवलेंथ कम हो गया। इसका मतलब है इफ पिच इंक्रीज, अगर पिच इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं जो वेवलेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, ये बात समझाई, पिच इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, चले नेक्स्ट। थर्ड में वो कहता है कि वेलोसिटी का क्या होगा, तो वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी के लिए हमारे पास, अच्छा वेलोसिटी यहां पर एक सिंपल गाड़ी की वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ऐसे ही है। अगर लैम्डा को हम छोड़ दें, इसको हम कांस्टेंट कर दें, पीछे बच्चे का वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी वी, अगर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। चले वापिस आ जाए, अगर पिच इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे हम कहेंगे थर्ड है वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज, वेलोसिटी किसके लिए, वेव की है। अब आ जाए फोर्थ पर, फोर्थ में कह रहे जी एम्पलीट्यूड का क्या होगा, याद रहे एम्पलीट्यूड हमारे पास ये हाइट होती है, ये वाली हाइट, तो एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया,
चलो जी नेक्स्ट 11.14 में वो कह रहा है जी कि अगर हम क्लिफ पर जाकर क्लैप करते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं तो हमें अपने ही क्लैप रीहियर होती है, मतलब वापस दोबारा सुनाई देती है। वो कहता है ये क्या सीन होता है, इसको बोलते हैं इको, इसको बोलते हैं इको। मैं क्वेश्चन के बजाय डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन यानी के इको ऑफ साउंड, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हमें हमारी आवाज रियर होती है, दोबारा सुनाई देती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट 11.15 में वो कह रहा जी कि व्हाट इज द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है और क्या एज के साथ साथ चेंज होती है या कॉन्स्टेंट रहती है। ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन के लिए ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, वो वाली रेंज जो ह्यूमन एयर स्किन सुन सकते हैं, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच ह्यूमन ईयर कॉन कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये कितनी होती है, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। दूसरा कह रहा है क्या ये एज के साथ वेरी करती है, बिल्कुल करती है, इट वेरी बाय एज, ठीक है, एज पर भी डिपेंड करती है। बच्चे हैं ना, उनकी ये रेंज नहीं होगी, उनकी से कम हो सकती है, बूढ़े हैं ना उनकी भी कम होगी, क्यों, क्योंकि उनकी सेंसेशन जो है वो अडल्ट की पर थोड़ी वीक हो जाती है। बूढ़े लोग क्या करते हैं, बच्चे के सामने चीखे ना जोर से वो रोने लग जाएगा, डर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े उनकी जो होती है हेयरिंग वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो कहते हैं उच्चा बोल, लाउड बोल, ठीक है, मतलब उनके वो सुनाई भी नहीं देता, तो इसलिए जो एज के साथ साथ ये वेरी करती रहती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 11.16 में वो पूछ रहा है जी कि एक्सप्लेन द नॉइज, वो कहता है नॉइज को एक्सप्लेन करें, और ये हम नॉइज पॉपुलेशन में, नॉइज पोल्यूशन में डिस्कस